हे गाइस, स्वागत है आप सबका पोकेमॉन लाइट प्लैटिनम के एपिसोड नंबर 17 में। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कैसे टीम स्टीव ने ट्राई किया था जेक्रोम और रेशिराम को पकड़ने का, लेकिन वो नाकाम रहे क्योंकि वहाँ पे गॉड ऑफ पोकेमॉन आरसीएस आके जस्ट लाइक उसने उन दोनों को फिर से शांत करा दिया था एंड वो लोग अपने अपने जगह पर चले गए। एंड जैसे कि जस्ट लाइक फिर से रेशिराम और जेक्रोम रेशिराम और जेक्रोम शांत हो गए और वो लोग अपने अपनी जगह पर चले गए और फिर आरसीएस भी चला गया था। लेकिन हमारी बहुत सारी बैटल्स हुई थी लास्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड बहुत बड़ा था, अगर आपने उसको पूरा देखा रहेगा तो आपको पूरी स्टोरी याद रहेगी, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बाद में जाके देख लो। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग जस्ट लाइक रूट 414 पे आ चुके थे माउंट आइस स्ट्रॉम को जस्ट लाइक पार करके, एंड आज के इस एपिसोड में हम लोगों को ये वाला रास्ता पार करना है नेक्स्ट सिटी में जाने के लिए। गेट रेडी टू फेस एक्सट्रीम कोल्ड ऑन दिस फ्रोजन रूट। ये रूट काफ़ी जस्ट लाइक बड़ा होने वाला है। आई गेस मैंने लास्ट एपिसोड में ये वाली बैटल तो कर ली थी, लेकिन आज के एपिसोड में बहुत सारी बैटल्स आनी बाकी है। हम लोग यहाँ पे जस्ट लाइक काइंड ऑफ पहले तो मैक्स रिपेल मार के रख लेते हैं। अच्छा, पहले से ही मैक्स रिपेल आ चुका है। मैंने लास्ट एपिसोड से पोकेमॉन्स हील नहीं किए क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोकेमॉन सेंटर नहीं है, बस मेरे पास हाइपर पोशन थे बहुत सारे तो उनको मैंने यूज़ कर लिया। और गाइस, आप लोग बोल रहे थे कि राइलो को अभी मेरे को दिन में इवॉल्व कराना पड़ेगा, जैसे लाइक इवॉल्व कराने के लिए उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, लेकिन आई डोंट नो अभी उसको क्या कराना पड़ेगा। लेकिन अभी उसके लेवल्स काफ़ी कम है तो मैं उसको बैटल्स में यूज़ नहीं कर सकता होपफुली। एंड आप लोगों ने बोला था कि उसको कैल्शियम वगैरह कुछ ऐसा रहेगा मेरे पास तो मैं देते जाऊँ, लेकिन आई गेस मेरे बैग में ऐसा तो कुछ है नहीं फ़िलहाल। तो है क्या? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ टिप्स होगी कि मैं इसको कैसे इवॉल्व करूँ मेरे राइलू को लुकारियो में हमारे टीम के लिए, तो आप बता देना। आई वॉज चेजिंग अर्सरिंग बट इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग एंड गॉट अवे। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग भाग भी नहीं सकते। ओके, रिपेल ख़त्म हो गया। एक मिनट, यहाँ पे आप लोगों ने मेरे को जैसे लाइक लास्ट एपिसोड में एक टिप दी थी जो कि आज के एपिसोड में हम लोग फॉलो करेंगे उसको। हम लोग बैग में जाएंगे, फिर यहाँ पे जैसे लाइक काइंड ऑफ टीम स्टीम को इसको रजिस्टर ही कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता क्या मैं? ओके, अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे लाइक है ना इस गेम में क्या है, ये जो कॉस्ट्यूम है ना वो साइकिल की तरह काम आ जाती है, जिसकी आप देख सकते हैं ये कॉस्ट्यूम पहनने के बाद हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं। ये मेरी नॉर्मल स्पीड है एंड ये रही मेरी गेम की स्पीड, बट इट्स ओके, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स आने वाली है तो चलो इसके साथ बैटल्स कर लेते हैं, देखते हैं इनके पास। ओके, टेडी अर्सा, ये नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, अर्सरिंग का प्री इवोल्यूशन आप बोल सकते हो, प्री इवोल्यूशन भी नहीं बोल सकते यार, इसका फर्स्ट स्टेज है अर्सरिंग का। हाँ, आई गेस मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने ट्रिक आ रहा है, मैंने ट्रिक के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, किसको यूज़ करूँ, चारिज़ार्ड को यूज़ कर लेते हैं। लेट्स यूज़ फ्लेम थ्रोअर, देख सकते हो मेरी तीन ही पीपी बाकी है फ्लेम थ्रोअर की, क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में बहुत सारे यूज़ किया था फ्लेम थ्रोअर। आई गेस मेरे पास ईथर होंगे तो मैं यूज़ कर लूँगा फ्लेम थ्रोअर को, जस्ट लाइक पीपी रिस्टोर कर लूँगा, क्योंकि आई गेस आज के एपिसोड में बहुत सारी लग सकती है उनकी ज़रूरत। ओ माई गॉड, राइलू इवॉल्व हो रहा है लिटरली, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया था। गाइस, आपके मुंह में जस्ट लाइक घी शक्कर यार, लिटरली मेरा राइलो इवॉल्व हो रहा है। मैंने बस उसको एक्सपी शेयर दे के रखा था, मैंने और कुछ भी नहीं किया है। ओ माय गॉड गाइस, राइलो इवॉल्व हो चुका है लुकारियो में, वो भी विदाउट कुछ किए। मैंने तो उसके साथ कुछ एक बैटल तक नहीं लड़ी इसके साथ अभी तक, और ये इवॉल्व हो गया भाई। गाइस यार, अब मैं क्या बोलूँ यार, इतना ओपी पोकेमॉन है ना ये, इसका इनर फोकस एबिलिटी है, मतलब फ्लिंच नहीं होगा ये, और बाकी सब तो अभी फ़िलहाल तो अभी कमी है, बट इट्स ओके, मैं इसको एक बैटल में यूज़ करके देखूंगा आने जस्ट लाइक आगे आने वाली बैटल में यूज़ करके देखेंगे इसको। हेलो, टू स्टे वार्म इन दिस कोल्ड यू हैव टू कीप मूविंग। हाँ, ये तो सही है, हम लोगों को यहाँ से आगे जाना होगा आई गेस। चलो इस बैटल में इसको यूज़ करके देखेंगे, लेवल में थोड़ा डिफरेंस होने वाला है बट इट्स ओके, ज़्यादा नहीं है। ओके, लेट्स यूज़ पहले तो मैं स्क्रीच यूज़ करूँगा एंड अच्छा एंडियर कर रहा है एक्सट्रीम स्पीड, काउंटर यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा तो कुछ हुआ ही नहीं, क्विक अटैक एक्सट्रीम स्पीड। ओके, एंडियर कर लेगा ये भी अटैक, वो क्विक अटैक। अभी लेवल थोड़ा कम है ना गाइस, इसलिए ये थोड़ा सा जैसे लाइक अभी टाइम लेगा, बट इट्स ओके, टायरेंटार को लाएंगे। यार गाइस, आज के एपिसोड में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा
फाइनली लुकारियो में इवॉल्व हो चुका है रायलू यार, और क्या चाहिए, मतलब जिस लाइक जो चाहिए था वही तो मिल गया हम लोगों को, इसलिए बहुत खुश हूँ मैं आज के एपिसोड में। ये एक जस्ट लाइक काइंड ऑफ वो आ गया पोकेमॉन, आइस टाइप पोकेमॉन, तो हम लोग इसके सामने फायर टाइप हमला यूज़ करेंगे। ये तो अच्छा हुआ इसके पास लेफ्ट ओवर्स है, लावा सर्फ यूज़, अच्छा ओके प्रोटेक्ट यूज़ कर लिया। यार प्रोटेक्ट मत यूज़ किया करो, मेरी पीपी एक तो ऑलरेडी कम है मूव्स की, और आप लोग ऐसे करके काइंड ऑफ थोड़ा सा अनॉय कर देते हो मेरे को, और क्या कर सकते हो। एक मिनट मेरे को देख लेने दो, मेरे पास जस्ट लाइक जो कि मैं बोल रहा था मेरे पास ईथर है, ओके ईथर से जस्ट लाइक मैं इसकी फ्लेम थ्रोअर की पीपी रिस्टोर कर सकता हूँ। ओके चलो आगे जाएंगे आज के एपिसोड में। यहाँ पे एक पोकीबॉल है जहाँ पे नेवर मेल्ट आइस मिली, जो कि आई गेस आइस टाइप पोकीमॉन्स की मूव्स जस्ट लाइक बढ़ा देती है, ऐसा ही कुछ तो होगा। यहाँ पे एक और बैटल आ रही है तो चलो करते हैं। वो लड़के ने कितना दूर से देख लिया मेरे को। ओके टॉक्सिक रॉक, यार मेरे को पोकीमॉन चेंज करना चाहिए था। फिर एलिगेटर आगे आ जा तू, स्वॉर्ड डांस ओके। एक काम करता हूँ, होपफुली मेरा जैसे लाइक लुकारियो भी स्वॉर्ड डांस सीखे, तब जाके मज़ा आएगा मेरे को। ओ रिवेंज, ओके कोई बात नहीं। लुकारियो 36 का हो चुका है, मैनेट्रिक आ रहा है, मैनेट्रिक के लिए मैं यूज़ करूँगा स्केप्टाइल को, क्योंकि बाकी पोकेमॉन्स के जस्ट लाइक बाकी पोकेमॉन्स को भी चांस मिलना चाहिए। लीफ ब्लेड हालांकि सुपर इफेक्टिव अटैक नहीं है, बट फिर भी यूज़ करने में क्या जा रहा है। चलो आगे जाएंगे। हेलो ब्रो, आई एम ट्रेनिंग माय टॉर्चिक हियर बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट आइस पोकेमॉन। हाँ ये तो सही है। क्या गाइज मतलब क्या गाइज मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को कोई एक आइस टाइप पोकेमॉन टीम में पकड़ लेना चाहिए कि रहने दो। ओके रहने देता हूँ, वैसे भी अभी हमारे पास लुकारियो आ ही चुका है, तो हमको तो लगता नहीं है कोई और पोकेमॉन हमारे टीम में आने की जिस लाइक ज़रूरत है हमें। फ़िलहाल तो मेरे पास कोई अच्छा ये नहीं है अटैक, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ये करना पड़ रहा है सफ़र, बाकी सब तो मैं ठीक ही हूँ जस्ट लाइक बोल सकते हूँ। अभी हम लोग इसके सामने यूज़ करेंगे थंडर पंच, आई गेस ये ग्रास टाइप भी है तो इसके सामने ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला था। ओके मेरे को लगा ही था बट इट्स ओके, लीड सीट डाल दिया इसने मेरे को, तो मैं पोकेमॉन चेंज कर लूँगा नेक्स्ट मूव में। अरे स्क्रीच क्यों किया मैंने ब्रो, मेरे पास क्विक अटैक है कि नहीं इस पोकेमॉन के पास? अच्छा है, बट अभी थंडर पंच ही मारना पड़ेगा क्योंकि क्विक अटैक में तो जाएगा नहीं है पोकेमॉन, क्योंकि मैनेट्रिक आ रहा है। हम लोग ट्रेनेटार में जस्ट लाइक चेंज कर लेंगे क्योंकि उसको लीड सीट करके रखा था, तो अगर मैं उसको चेंज नहीं करता तो उसको डैमेज मिलता रहता कंटिन्यूस, जो कि हम ऑब्वियस सी बातें नहीं चाहते हैं। ओके इसको भी हम लोगों ने हरा दिया। हेलो अंकल, बी केयरफुल ऑन द फ्रोजन लेक, यू माइट एंड अप फॉलिंग इन। ओके कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोगों को जाना कहाँ पे? ओके ये तो फाइनली बहुत इजी था, डाइव वॉल मिला एक फ्री में। ओके अरे ये तो बहुत ही इजी था, यहाँ पे एक और बैटल आ रही है तो चलो करते हैं। फिर से लुकारियो सामने रहेगा, यार मैं फिर से भूल गया मेरे पास कोई अच्छा पोकेमॉन जस्ट लाइक, मेरे को लुकारियो से कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल, तो दिक्कत यही है कि इसके पास कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है जो कि मैं इसको सिखा पाऊँ। यार हमारी टीम अभी सच में अनबीटेबल हो चुकी है, हमारे पास टेरेटार है जो कि एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, प्लस हमारे पास चारिजार्ड है, प्लस लुकारियो है, और क्या चाहिए गाइस, और क्या एक्सेप्ट कर सकते हो हम लोग, मतलब एक्सपेक्ट करोगे किसी टीम से? सच्ची मेरी टीम अभी बहुत अनबीटेबल हो चुकी है। पीलो स्वाइन, इसके लिए भी क्रंची काफ़ी होगा आई गेस। अरे सर्वाइव कर गया यार इसने, एंड्योर कर लेगा यार ये। ओके कोई बात नहीं, लेट्स यूज़ एक और क्रंच। एंड्योर एक एचपी पे क्या एंड्योर करेगा तो ब्रो, टेरेटार भी 56 का हो चुका है। चलो आगे जाएंगे। हेलो बी केयरफुल ऑन, अरे यार ये तो पता ही है। ओके यहाँ पे भी कुछ नहीं है, रिपेल ख़त्म हो गया तो हम लोग यूज़ कर लेंगे ऑब्वियस सी बात है। 8 है अभी भी मेरे पास, तो चलो आगे जाएंगे। आई गेस आज का एपिसोड छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है, गारंटी नहीं है ना, बट फिर भी मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बैटल्स आने बाकी है, मैं भी लेट्स सी हम लोग ट्राई तो करेंगे। एक ही पोकेमॉन है,
ओके, इसके लिए तो हम लोग इलेक्ट्रोवायर का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक सामने बर्ड टाइप पोकेमोन है जो कि थंडर पंच के लिए आई गेस काफ़ी होना चाहिए। ओके, हम लोगों ने इसको काफ़ी इजीली हरा दिया है। चलो आगे। हेलो ब्रो, तू भी बैटल करेगा? गेट रेडी टू फेस एक्सट्रीम कोल्ड ऑन दिस फ्रोजन रूट। हाँ पता है यार, सब लोग वही कह रहे हैं। कुछ नया कह ब्रो, मतलब कुछ नया बोल ब्रो। ऐसा एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हील कर देंगे। मेरे पास हाइपर पोशन बहुत सारे मैंने बाय करके रखे हैं। फिर एलिगेटर को भी हील कर देता हूँ ना, लुकारियों को रहने देता हूँ। वैसे भी उसको अभी बैटल्स में मैं लाने नहीं वाला इतनी जल्दी, तो अनटिल वो कोई अच्छे अटैक्स नहीं सीख जाता। यहाँ पे बाकी तो बैटल्स आते रहने वाले हैं। एक एक पोकेमोन ही अभी तो काफ़ी अच्छी बात है। इसका है ना स्पेशल डिफेंस काफ़ी अच्छा रहता है, तो हम लोग थंडर पंच यूज़ करेंगे जो कि एक फिजिकल अटैक है, और क्विक अटैक के साथ एंड कर देंगे। चलो, यहाँ पे हम लोगों को फ्री में क्या मिला? फुल रिस्टोर। ओके, और ये साम पीछे कौन बंदा खड़ा है? हेलो, अच्छा कुछ बोल ही नहीं रहा है। ओके, ये डायमंड है, डायमंड ही तो है ये। आई हैव बिन वेटिंग हियर बिहाइंड दिस फ्रोजन ट्रीज फॉर एजेस, वेटिंग फॉर यू। आई होप वी हैव अ गुड बैटल। ओके ब्रो, आ जा। मेरे इस गेम में ना जैसे लाइक बहुत सारे राइवल्स है, डायमंड है, रेड है, ऐश के साथ भी आई गेस मैंने फाइट कर रखी है इस गेम में, कि नहीं कर ही रखी है याद नहीं आ रहा है। फिर गोल्ड भी है, बहुत सारे हैं, लिटरली बहुत सारे हैं। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्केप्टाइल को, क्योंकि ये इनडायरेक्टली ये है तो जस्ट लाइक एक गीगा ड्रेन यूज। अच्छा, पीपी बची ही नहीं मेरे पास। वाह, इसको हरा दूंगा, इजीली हरा दूंगा मैं। स्केप्टाइल ओपी गाइस। इलेक्ट्रावायर, इलेक्ट्रावायर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टायरेनटार को। और यूज़ करूँगा थ्रैश। फिर आगे कोई भी पोकेमोन आए फ़र्क नहीं पड़ता। स्पीड मेरे से ज़्यादा है तो क्या हुआ ब्रो? लुकारियो 38 का हो चुका है, डायमंड हार चुका है। वाव, ग्रेट जॉब, थैंक्स ब्रो। यू आर रियली स्किल्ड एट पोकेमोन बैटल्स। आई विल ट्रेन हार्ड टू ट्राई टू बीट यू नेक्स्ट टाइम। एन्जॉय बींग स्ट्रॉन्गर दैन मी, बट द रिस्क ऑफ बींग द बेस्ट इज यू कैन लूज द टाइटल एट एनी टाइम। सी यू सून। हाँ, ये बात तो सही है, मतलब अगर आप जस्ट लाइक सबसे बेस्ट हो ना, तो आपको चैलेंजर्स भी बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि सबको आपको ही हराना रहता है। जस्ट लाइक काइंड ऑफ है ना, फिर आपके ऊपर सबकी नज़रें रहती हैं। तो हाँ, सही बोल के गया डायमंड जाते जाते। अर्स रिंग में जिसकी बात कर रहा था, टेडी अर्सा का विकसित रूप, इसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग होता है। ये एक में तो आराम से नहीं जाने वाला, इतना तो मेरे को पता था, बट दो में चला गया, कोई बात नहीं। स्नोरलैक्स आ रहा है। ओके, स्नोरलैक्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टेरेनटार को। अगर लुकारियो के पास कोई अच्छा तगड़ा अटैक रहता ना, फाइटिंग ब्रिक ब्रेक या फिर कोई पंच वाला जिस लाइक, तो फिर तो हम लोग आराम से इसको हरा देते, बट अभी तो हम लोग क्रंच ही ट्राई करेंगे। ओके, लेट्स सी, इसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग होता है। लेट्स यूज थ्रैश। चला गया यार, इतना भी स्ट्रांग नहीं था। ओके, ये तो वाटर टाइप पोकेमोन है, ये पता है। थोड़ा सा धोखा है मेरे को यहाँ पे, बट इसका डिफेंस कम रहता है ना, इसलिए हम लोगों ने चांस ले लिया। चलो आगे जाएंगे। ये कौन सा जगह है? स्नोस, ये क्या लिखा है? स्नो सिटी। ओके, आई गेस हम लोग नई सिटी में आ गए। अप अहेड इज स्नो सिटी, अ सिटी इन द मिडल ऑफ द आइसी माउंटेन। ओके, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं स्नो सिटी में। आई डोंट नो, मैं इसका जस्ट लाइक प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। आई लव टू ट्रेन माई पोकेमोन अनटिल दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। वुड यू लाइक टू ट्रेड पोकेमोन विथ मी? आई एम लुकिंग फॉर स्टारवेरिया, वॉन्ट टू ट्रेड विथ माई पॉलीबॉल। मेरे पास दोनों भी पोकेमोन नहीं है, एंड मैं ट्रेड करना भी नहीं चाहता, तो सॉरी सिस्टर। ओके, मेरे को जस्ट लाइक काइंड ऑफ यहाँ पे पहले तो पोकेमोन सेंटर ढूंढना है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं पोकेमोन सेंटर में गया नहीं है, नर्स जो है से मिला नहीं हूँ। ये क्या है, पोर्ट पोर्ट की तरह लग रहा है। पहले हम लोग इस सिटी में पोकेमोन सेंटर को ढूंढेंगे काइंड ऑफ। ओके, ये रहा पोकेमोन सेंटर। ओह, ये क्या है, ये कौन है? सोलाना, आई गेस। हाँ, ये दो भाई बहन थे, उनमें से एक ये लड़की रहेगी। हे ओमकार पीएम, आई केम टू लेट यू नो दैट द स्नो सिटी जिम लीडर इज इन द साउथ ऑफ द माउंट आइसस्टोम। यू शुड गो देयर एंड ब्रिंग बैक हर टू जिम। आई थिंक शी वॉज टेकिंग हर पोकेमोन टू रिलैक्स इन द आइस, दैट्स ऑल। आई हैव टू गेट गोइंग नाउ।
सॉरी, ये तो पोकीमोन है, अल्टारिया यूज फ्लाई। ओके, इसके पास एक अल्टारिया है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकीमोन है। पहले तो हम लोग जिस लाइक आज के एपिसोड में, अभी हम लोगों ने जो बहुत सारा बड़ा सा रूट पार करके हम लोग आज के एपिसोड में स्नो सिटी में आ चुके हैं, तो पहले इस सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, मे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर सके हम लोग, फिर नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे यार। जिम बैटल स्नेक्स है ये तो। आई एम हियर टू गेट द टेस्टीएस्ट आइसक्रीम ऑफ ऑल जेरी। ओके, व्हेन इट्स कोल्ड आउट यू नीड टू ड्रेस प्रॉपरली टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम द फ्रोस्ट बाइट एंड द हाइपोथर्मिया। हाँ ये तो सही है, हाइपोथर्मिया जो भी था वो। हेलो हेलो, एटीट्यूड किसको दिखा रहा है? ऑल दिस नो लुक लाइक कॉटन कैंडी, आई एम ड्रोलिंग। अरे ब्रो क्या बोल सकता हूँ मैं, नेवर लेट योर पोकेमॉन गो विदाउट बैटलिंग फॉर टू लॉन्ग, सम नीड टू बी हैप्पी टू इवॉल्व। अरे मेरा अभी जस्ट एक पोकेमॉन हैप्पीली इवॉल्व हुआ है जो कि लुकारियो है। ये लॉक के दरवाजा ओके है, मैं इससे बात किया था क्या? हाँ आई गेस किया था। ओके, आई एम वेरी कोल्ड, द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप टू बिलो -7°C। ओके तो घर में जाना। ओके ये दरवाज़ा खुला है। वेन यू गिव योर पोकेमॉन रेयर कैंडी इट एंड अप वीकर देन इफ यू हैड ट्रेंड इट। ओके हाँ ये तो सही है, रेयर कैंडी मैं भी यूज़ नहीं करता, अगर कहीं मिली रहेगी तो मैं यूज़ कर लूँगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आउटसाइड इट सो कोल्ड। ओके तो गाइस फाइनली अभी हमारी ये फाइनल टीम आप लोगों ने जैसे लाइक देख ली, हमारी टीम में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी टीम में कौन कौन है। हमारी टीम में इलेक्ट्रोवायर है, चारिज़ार्ड है, टेरेटार है, स्केप्टाइल है, फेरालीगेटर है और लुकारियो है। लुकारियो तो जस्ट लाइक बाकी की लेवल की तरह आ जाएगा, बहुत जल्दी उनके लेवल पर आ जाएगा। द स्नो सिटी पोर्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड पोर्टेशन ऑफ द जेरीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। ओके एक काम करेंगे, आई गेस आज के एपिसोड में थोड़ा सा छोटा ही रखूँगा क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड मेरे को अभी पता नहीं है ना, मेरे को पहले तो ये ऑफलाइन में पूरी सिटी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, फिर जाके मैं जस्ट लाइक काइंड ऑफ देखूंगा कि हम लोगों को यहाँ पे आगे क्या करना है। तो आई होप सो गाइस आपको आज का एपिसोड पसंद आया रहेगा। आज का एपिसोड थोड़ा सा छोटा ही था, 20 मिनट्स का नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। मैं बोलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नहीं तब तक के लिए सायोनारा।